એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ્ટ સાથે આજે મળી રહ્યા છે, જેબીએમ ઓટોના વાઇસ ચેરમેન અને એમડી નિશાંત આર્ય આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. એમની સાથે આપણે વાતચીત કરીશું, કારણ કે એક એવી સ્પેસમાં છે, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્પેસમાં છે, અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સમાંથી આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ રહ્યા છે તો એ એક મોટો પાર્ટ ભજવી રહ્યા છે. નિશાંતજી, બહોત સ્વાગત હૈ આપકા સીએનબીસી બજાર પે. ઓર જૈસે મેં કહે રહી થી કે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્પેસ સે ઓટો સેક્ટર ગુજર રહા હૈ. એક तरफ ऑफकोर्स चिप शॉर्टेज और वो तो रहा ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ अभी दुनिया बढ़ रही है और भारत भी उसके पीछे नहीं रहा है. आप एक इंटरेस्टिंग स्पेस में है क्योंकि ये फील्ड में है. कैसे आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस और कितना इंटरेस्टिंग स्पेस अभी है आगे आने वाले सालों में? देखिए, आज के दिन हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन गया है जो कि चाहता है, और स्पेशली कोविड के दौर में लास्ट 2 सालों में सबको समझ में आ गया है हेल्थ और एनवायरनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल उसी डायरेक्शन में हमें ले जाता है जहां पे हम जीरो एमिशन की तरफ मूव करते हैं. और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेट जीरो का टारगेट सेट कर दिया है तो आई थिंक उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी काफी इम्पॉर्टेंट होगी. और हम एज ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल और जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज के लिए कमिटेड हैं. एंड हमारे एंड पे हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और साथ में हम क्रिएट इन इंडिया भी कर रहे हैं. और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं अगले कुछ सालों में, जो कि पूरी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया की रिक्वायरमेंट्स भी मीट करेगा. और डेफिनेटली इस PLI और फेम सब्सिडीज और दूसरी चीजों से इंडस्ट्री को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ने में काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगी और उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है. दूसरी तरफ हम अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च करते जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री. इसी हफ्ते के शुरू में माननीय मुख्यमंत्री बोमाई जी ने कर्नाटका की पहली इलेक्ट्रिक बसें JBM की इलेक्ट्रिक बसों के साथ लॉन्च की हैं. ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक बसें महाराष्ट्र में भी लॉन्च की गई हैं. करीबन 200 इलेक्ट्रिक बसें नवी मुंबई में लॉन्च हो चुकी हैं और वो चल रही हैं. पिछले 2 साल से कुछ बसें थी और अभी हाल ही में इस साल करीबन 150 बसें और लॉन्च की गई हैं. हमारी अहमदाबाद में करीबन 100 बसें चल रही हैं, अंडमान में बसें चल रही हैं. तो हम लोग पूरी कंट्री में हर जगह स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी और EV इकोसिस्टम को डाल रहे हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रिक बस टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहे हैं. जी, ऑफ कोर्स ये एक फ्यूचर है, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है निशांत जी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स बसेस तैयार है, कार्स भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है. और वहाँ ही थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस इनफ नहीं है, चार्जिंग टाइम एक बड़ा रहता है. अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बीच में अगर अपने को दिक्कत आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसे भी लोग सोचते हैं. दूसरी तरफ आप कैसे देख रहे हैं एक्सेप्टेंस लेवल की मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव वर्सेस डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव थोड़े अलग है और एक्सेप्टेंस भी थोड़ा अलग है, नेचर रहा है. आप कैसे मार्केट को वो सेगमेंट को देख रहे हैं? देखिए, काफी अच्छा एक्सेप्टेंस है इंडिया में और इंडिया की मार्केट हमेशा दुनिया से अलग रही है. और यहाँ पे कोई भी चीज को डिप्लॉय किया जाता है तो काफी तेजी से अडैप्ट होती है बिकॉज लोग एज अ ग्रुप उसको इम्बाइब कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. डेफिनेटली एक चेंज होता है ऑपरेटिंग पैटर्न में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव करते हैं फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल और कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड व्हीकल. लेकिन जैसे हमारी ऐसी कंपनी जो कि फास्ट चार्जिंग यूज करती हैं तो 1 घंटे के अंदर में पूरी बस हम लोग चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग टाइम का इशू नहीं होता, ऑटोनॉमी का इशू नहीं होता. जितने पैसेंजर्स इसको यूज करते हैं वो पैसेंजर्स इस व्हीकल को यूज करने के बाद दूसरा व्हीकल यूज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज लग्जरी राइड लाइक कंफर्ट होता है, नॉइज फ्री व्हीकल होता है और सेफ्टी नॉर्म इज मच हायर. तो इसलिए ऑल दीज थिंग्स रियली एंश्योर दैट अ कस्टमर गेट्स अ फेनोमिनल एक्सपीरियंस एंड अ वेरी गुड सॉल्यूशन. तो इसलिए हम अब
एक सोल्यूशन कंपनी है जो कि चाहे वो व्हीकल है, एक्सपीरियंस है, बैटरी टेक्नोलॉजी है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, और कैसे एक टेक्नोलॉजी कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस और वैल्यू ड्राइव कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। और इसी बेस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्ट्रिक बस बिजनेस का भी ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री साइज कितना है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, और आगे जाके कितनी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, इस इंडस्ट्री में बढ़ोतरी बहुत फास्ट होगी। जैसे हम देखते थे 2009-10 में सोलर इंडस्ट्री बहुत ही छोटी थी, और आज के दिन हम लोग 100 गीगावाट क्रॉस कर चुके हैं, एंड वो भी मेजॉरिटी क्रॉस हुआ है लास्ट 7-8 सालों में। उसी तरीके से ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ भी 100-200-300% होगा अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, और उसमें भी मेरे हिसाब से बसेस, थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स विल बी द फर्स्ट टू टेक ऑफ, और उसके बाद कार सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट्स आएंगे जहां पे कॉस्ट ज्यादा है, बट डेफिनेटली वहां पे भी काफी इंटरेस्ट है लोगों का, पर वो धीरे धीरे बिल्डअप करते जाएंगे क्योंकि वहां पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास सीएनजी का भी, जिसको यूज किया जा रहा है और जिसकी सेल काफी बढ़ रही है। दूसरा एक सवाल जो निशान जी ध्यान में आ रहा है कि ऑफकोर्स व्हीकल्स तो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, कौन से रेशियो में इंफ्रास्ट्रक्चर साइज आप बढ़ा रहे हैं? अगर एक व्हीकल बाहर आता है तो उसके लिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने चार्जिंग स्टेशन, क्या कोई ऐसा कोई रेशियो पे, कोई नंबर्स पे आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं बसों का रेशियो शेयर कर सकता हूँ आपसे। बसों में हम लोग हर 3 बस के लिए एक चार्जर डिप्लॉय करते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। वो कस्टमाइज होता है हर सिटी और स्टेट के लिए, तो अलग अलग होता है, बट ब्रॉड थंब रूल हर 3 बसों के लिए एक चार्जर डिप्लॉय करते हैं जो कि फास्ट चार्जर होता है और 1 घंटे से कम में बस को चार्ज कर देता है, और जगह जगह उनको सेटअप किया जा रहा है, चाहे वो डिपोज में हो या टर्मिनल्स में हो, डिपेंडिंग ऑन सिटी डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिक रिक्वायरमेंट्स। और ऑर्डर बुक्स कैसे दिख रहे हैं गवर्नमेंट से वीज़ावीज़, अगर प्राइवेट में भी आप कर रहे हैं तो ऑर्डर बुक्स कैसे दिख रहे हैं और कैसा आपका अगला साल दिख रहा है और अगले मे बी अगले कपल ऑफ इयर्स दिख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। हमें हाल ही में पिछले कुछ महीनों में करीबन 700 बसों के ऑर्डर मिले हैं जो हमने शेयर भी किया है अपने सभी स्टेक होल्डर से, और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि हमारी इलेक्ट्रिक बसेस की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर करीबन 100% होगी, एंड अभी आने वाले टाइम में काफ़ी अलग अलग सिटीज ये देखना चाहती हैं कि उनकी पोल्यूशन फ्री जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट करें, वहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट है। हम लोग कई कॉरपोरेट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है ESG गोल्स को लेके, और वर्ल्ड वाइड उन्होंने ESG गोल्स को अडॉप्ट किया है, तो चाहे वो लोकल कंपनीज हो, MNCs हो, जो कि काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं, एंड उसकी वजह से काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज को हम देख रहे हैं आने वाले सालों में। इसीलिए हमारी कैपेसिटी को भी हमने ऑगमेंट कर दिया है, वी हैव मूव्ड टू 3000 बसेस पर एनम नाउ, एंड आने वाले समय में हम नेक्स्ट कुछ महीनों में वो भी शेयर करेंगे दैट हाउ आर वी गोइंग फॉर फर्दर ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ व्हीकल्स as well as other new technologies. और वही मेरा क्वेश्चन भी था कि अगर इतना सारा प्रोडक्शन होगा तो कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है आपके ऑन बुक्स? हाँ, तो हमने ऑलरेडी 2000 से अपनी कैपेसिटी को 3000 कर दिया है बसेस पर आना, और हम आगे जाके अब फर्दर ऑगमेंटेशन भी प्लान कर रहे हैं जो कि हम लोग शेयर करेंगे अभी आने वाले महीनों में। और क्या अभी तो एक्चुअली शुरुआत है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन क्या लगता है कितना ट्रांसमिशन टाइम जाएगा पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने के लिए कम्प्लीटली? कम्प्लीटली डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू से, बट मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेशली बस सेगमेंट में मेरे हिसाब से अगले 10 साल में हो जाएंगे, दैट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड कि मेजॉरिटी न्यू व्हीकल्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस इन इंडिया।